मैं कपिल गुप्ता इंडियन हॉबी क्लब से। ये हमारा दूसरा वीडियो है, आपने पहले भी देखा होगा हमारा वीडियो, ये हमारा दूसरा वीडियो है। बहुत से हमारे कस्टमरों ने या फिर सब्सक्राइबरों ने ये मैसेज किया है कि सिक्कों को कैसे साफ करना चाहिए, तो आइए हमारे इस वीडियो में हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सिक्कों को किस तरीके साफ करना चाहिए। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सारे सिक्कों को साफ करना चाहिए। कुछ सिक्के होते हैं जिनको साफ नहीं करना चाहिए, कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिनको साफ करना चाहिए। कुछ सिक्कों के साफ करने से उनकी कीमत बढ़ती है और कुछ को साफ करने से उनकी कीमत घटती है। भाइयों देखिए, अब हम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कौन से सिक्के साफ करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। जैसे कि चांदी का हो गया, सोने का हो गया, ब्रास हो गया या फिर कॉपर निकल हो गया, इसको साफ आप यदि करोगे तो इसकी कीमत बढ़ जाती है क्योंकि ये शाइन करते हैं। और ये इसके अलावा जैसे कॉपर के सिक्के हैं या फिर तांबे के सिक्के हैं, मतलब तो इनको साफ नहीं करना चाहिए। इनके लिए हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि सिर्फ शाइन करता है और उनकी कीमत उसको बढ़ाता है। जैसे कॉपर के सिक्कों पे एक लेयर आती है जिसको एंटीक लेयर होती है, उसको पतीना कहते हैं। यदि हम वो उसको लिक्विड में साफ कर दें, या फिर बहुत से लोगों ने हार्पिक में साफ कराया है, अलग वीडियो में साफ कराया है, तो उस तरीके से साफ नहीं करना चाहिए कॉपर के सिक्कों को, उससे उसकी कीमत घटती है। तो हमने उसके लिए एक अलग लिक्विड बनाया है और कॉपर के सिक्कों के लिए एक अलग से पाउडर और शाइनर बनाया है, जिससे कि ये इनकी कीमत बढ़ती है और ये आपको कलेक्शन के लिए भी अच्छे दिखते हैं। भाइयों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सिक्के साफ किए जाते हैं और कैसे इसको शाइन किया जाता है। पर उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे वीडियो देखने के लिए इसको प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर आपको एक बेल दिख रहा हो उसको लाइक कीजिए, ताकि हमारी नई जो भी वीडियो बने वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए दिखाते हैं, ठीक है। आइए भाइयों, हमारे कुछ कॉइन क्लीन के लिए हमने प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे कि है कॉइन क्लीनर, ये आपका कॉइन क्लीन करने में मदद करेगा, और एक है कॉइन शाइनर, ये कॉइन शाइन करने में मदद करेगा। आइए हम देखते हैं इसको कैसे यूज करना चाहिए। सबसे पहले हमें एक बाउल में पानी डालना है, उसके बाद आपको ये हमारा कॉइन क्लीनर है, इसकी कुछ बूंदें आपको इसमें डालनी है, बस। अब आप ये है हमारे कॉइन्स जो कि चांदी के कॉइन्स हैं, देख रहे हैं। इसको हमने 5 मिनट के लिए, ये भी चांदी का है मैडम, इसको भी हमने इसमें डाला। अब सिर्फ हमारे को 5 मिनट का वेट करना है। और इसको देखिए, केमिकल को आप हाथ पे भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ एसिड है। बाकी यदि आप इसको ग्लव्स पहन के यूज करें तो ज्यादा बेटर है, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अभी हमारा 5 मिनट हो गया है, अब हम देखिए इस सिक्के के लिए इस पे हम कोई भी लिक्विड या कोई भी पाउडर, कोलगेट पाउडर, कोलगेट पेस्ट, कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये है ब्रश इसको क्लीन करने के लिए। तो ये देखिए, हमने पहले से निकाल के रखा है कोलगेट पाउडर, थोड़ा सा इसको ब्रश पे लगाया और इसको इस तरीके से थोड़ा सा क्लीन करा। थोड़ा थोड़ा हम इसको भी लगाते रहेंगे, जिससे कि ये थोड़ा सा आसानी रहेगी साफ करने में। अब इसको देखिए, ये आपको बिल्कुल शाइन हो गया, ठीक है सर। अब हम इसी तरीके से और कॉइन भी करेंगे, जैसे मेटल है चांदी का, इसको क्लीन करके देखेंगे। थोड़ा सा हमने इस पर कोलगेट पाउडर लगाया। इस लिक्विड की खासियत यह है कि इससे हमारा कॉइन का साफ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि इस कॉइन क्लीनर को ज़्यादा देर तक इसमें ना डालें कॉइन को, क्योंकि ज़्यादा देर डालने से कॉइन के ऊपर एक रेड कलर का कोट आ जाएगा, जो कि फिर दोबारा साफ करने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो इससे ऐसा कीजिएगा कि आप 5 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं डालिएगा। ये देखिए, ये हो गया एकदम क्लीन। तो देखिए फर्क, ये हमारे कॉइन क्लीन करे हुए सिक्के हैं जो कि हमारे शाइनर से क्लीन हुए, और ये है जो अनशाइनिंग सिक्के हैं जो अभी हमने क्लीन नहीं करे। तो ये है हमारा प्रोडक्ट। यदि आप इसको लेना चाहेंगे तो हमारी वेबसाइट या फिर आप डायरेक्ट अमेजोन पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, दोनों पे अवेलेबल है। क्या अब इसके आगे क्या काटा है हमारे, हमने इसको लिया, इसको साफ कपड़े से, कॉटन के कपड़े से एक बार हमने इसको क्लीन कर लिया और अच्छी तरह सुखा लिया, जिससे कि इसका जो भी पानी है वो साफ हो जाए। अब इसकी चमक हमें बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो है कॉइन शाइनर, ये सिर्फ शाइन करने के लिए। इसके बाद यदि आप इसको शाइन करेंगे तो ये ब्लैक नहीं पड़ेगा। तो हमें थोड़ा सा लेना है इसको और इसको इस पे हल्का सा डाला।
आपको पानी यूज नहीं करना है इसमें, हल्के हाथ से इसको शाइन करना है। आप चाहें तो इसको कॉटन के कपड़े से भी साफ कर सकते हैं या चश्मे का जो क्लीन करने वाला कपड़ा होता है उससे साफ कर सकते हैं। अब इसके बाद इसको कोई भी कॉटन के कपड़े से साफ करना है, सूखे कपड़े से। पर अब आप देखिएगा इसकी शाइन कैसे होती है। यह है इसका लस्टर और ये ओरिजिनल लस्टर आएगा और ये आपका कम से कम 3-4 साल से तो पहले आपका इसका लस्टर जाएगा नहीं। आप ये आपके कलेक्शन में भी अच्छा दिखेगा और आपको किसी भी चीज़ में दिखाने के लिए बेचने के लिए इसकी कीमत बढ़ेगी आपकी। तो इसके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाए हैं, आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको तांबे के सिक्के, कॉपर के सिक्के साफ करके दिखाते हैं कि उसको किस तरीके से साफ करना चाहिए जिससे कि उसकी कीमत बढ़े और आपके कलेक्शन में भी अच्छा दिखे। जो कि हमने चांदी के सिक्के दिखाए थे अपने शाइनर से साफ करने के लिए, इसको आपको माइक्रोफाइबर वाला कपड़ा या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा लेना है या आप हाथ से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको इस पे डालना है। अब आप इसको हल्के हाथ से इस तरीके से साफ करेंगे। अब देखिए, आपको मैंने आधा सिक्का साफ करा है सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्लीन होता नहीं है। ये देखिए सर, अब इसको आप हल्का हल्का धीरे धीरे रफ करते रहेंगे तो देखिए ये क्लीन हो गया पूरा सिक्का। आप इसको इसके साथ रख के देखिए, आधा सिक्का क्लीन हो गया। अब हम इसको पूरा सिक्का क्लीन कर देते हैं। पर एक चीज है, इसमें हमें पानी को यूज नहीं करना। पानी को यदि यूज करेंगे तो हमारे जो कॉपर की कीमत है, जो कि इस पे लेयर आती है पतीने वाली, वो खत्म हो जाएगी और इसकी एंटीकनेस खत्म हो जाएगी। तो भाइयों, कोशिश कीजिएगा कि बिना पानी के इसको सिर्फ शाइनर से शाइन करना है। अब ये देखिए, ये हो गया एकदम शाइन। ये देखिए, ये हमारा बिना शाइन करा हुआ सिक्का है और ये शाइन करा हुआ सिक्का है। आपको फ़र्क खुद ही पता चल जाएगा। अब आप इस प्रोडक्ट को यदि लेना चाहें तो कभी भी हमारी वेबसाइट से या फिर अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। तो भाइयों, आपने देखा किस तरीके से हमने पॉइंट क्लीन किया। आने वाली वीडियो में यदि आप हमारे साथ बनाए रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। तो आने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कॉइन को कलेक्शन किया जाता है, उसको सेव किया जाता है ताकि उसकी लाइफ बढ़े, ताकि कीमत बढ़े। शुक्रिया। हमारे इन प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट है www.indianhobbyclub.com। इस पर आप डायरेक्ट ले सकते हो या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो।